मिस्टर शर्मा शहर के सबसे बड़े अरबपति व्यक्ति हैं। एक दिन वो एक पार्टी में जाते हैं जहां पर एक सिंगर स्टेज पर गाना गा रही होती है। तभी अचानक वहां पर मिस्टर शर्मा को कोई गोली मारकर चला जाता है, तो वहां पर मौके पर ही मिस्टर शर्मा की मौत हो जाती है। तो यहां पर थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस आ जाती है। पुलिस को वहां पर ये पता नहीं लग पाता है कि मिस्टर शर्मा को गोली किसने मारी। तो यहां पर पुलिस को चार लोगों पर शक होता है जिनको कि मिस्टर शर्मा की मौत से फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पर पुलिस उन चारों को बुलाती है और उनसे पूछताछ करती है। तो यहाँ पर मिस्टर शर्मा की वाइफ कहती है कि मैं और मिस्टर शर्मा दोनों ही एक बड़े बिजनेस प्लान पर वर्क कर रहे हैं, उनके बिना तो ये अधूरा है, तो मैं उनको कैसे मार सकती हूँ। और उनकी एक्स वाइफ कहती है कि मैं और मिस्टर शर्मा अगले ही हफ्ते लंदन जाने वाले थे, हम दोनों ने टिकट भी बुक करा ली थी, तो मैं उनको क्यों मारूँगी। और यहाँ पर उनका सन कहता है कि मैं तो अपाहिज हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं अपने पापा को क्यों मारूँगा, इससे मुझे क्या फ़ायदा। और यहाँ पर उनका फ्रेंड कहता है कि मेरे पास पहले से ही बहुत सारे पैसे हैं, मैंने उनको नहीं मारा है। पुलिस उन सभी की तरफ देखकर और उनकी बातों को ध्यान से सुनकर तुरंत से समझ जाती है कि यहाँ पर मिस्टर शर्मा को किसने मारा। क्या दोस्तों यहाँ पर आपको पता चला कि यहाँ पर मिस्टर शर्मा को किसने मारा? अपना जवाब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्या दोस्तों यहाँ पर आपको पता चला कि यहाँ पर मिस्टर शर्मा को किसने मारा है? तो पुलिस उन सभी की तरफ देखकर और उनकी बातों को ध्यान से सुनकर तुरंत से समझ जाती है कि यहाँ पर मिस्टर शर्मा को उनकी एक्स वाइफ ने मारा है, क्योंकि उसने कहा था कि मिस्टर शर्मा और मैं अगले ही हफ्ते लंदन जाने वाले थे, हम दोनों ने टिकट भी बुक करा ली थी, लेकिन उनके हाथों में जो टिकट है उन पर तो मिस्टर शर्मा की जगह मिस्टर वर्मा लिखा हुआ है। इसका मतलब कि यहाँ पर वह किसी और के साथ लंदन जाने वाली थी। और इसी झूठ को यहाँ पर पुलिस ने पकड़ लिया और वह तुरंत से समझ गई कि यहाँ पर मिस्टर शर्मा को उनकी एक स्वाइप ने मारा है। क्या दोस्तों यहाँ पर आपका जवाब भी यही था? तो इस वीडियो को लाइक करके हमें बता दीजिए। अब दोस्तों नेक्स्ट पहेली। सुरेश 1 लाख का लोन लेने के लिए लोन एजेंट को बुलाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर लोन एजेंट आ जाता है। लोन एजेंट को सुरेश उसके घर के बाहर खड़ा हुआ मिलता है। तो यहाँ पर लोन एजेंट कहता है कि क्या आप ही सुरेश हैं और ये घर आप ही का ही है क्या? तो यहाँ पर सुरेश कहता है कि हाँ, मेरा नाम ही सुरेश है, मैं अभी अभी अपने पत्नी के हाथों का नाश्ता कर बाहर आया हूँ, मैं ऑफिस जाने ही वाला था, अच्छा हुआ आप यहाँ पर आ गए। यहाँ पर लोन एजेंट सुरेश की बातों को सुनकर तुरंत से वहाँ से चला जाता है। पर क्यों? क्या दोस्तों यहाँ पर आप बता सकते हैं कि लोन एजेंट वहाँ से क्यों गया? अपना जवाब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्या दोस्तों यहाँ पर आपको पता चला कि यहाँ पर सुरेश की बातों को सुनकर लोन एजेंट वहाँ से क्यों चला गया? तो यहाँ पर लोन एजेंट ने सुरेश के झूठ को पकड़ लिया था। उसने कहा था कि मैं अपने बीवी के हाथों का नाश्ता कर अभी ऑफिस जा ही रहा था, तो आप यहाँ पर आ गए। लेकिन यहाँ पर घर को गौर से देखने पर यहाँ पर ताला लग रहा है। इसका मतलब कि ये घर सुरेश का नहीं हो सकता, सुरेश यहाँ पर झूठ बोल रहा है। और इसी बात को यहाँ पर लोन एजेंट ने नोटिस किया और वो तुरंत से समझ गया कि सुरेश उससे झूठ बोल रहा है। अब दोस्तों नेक्स्ट पहेली। शहर के सबसे बड़े मॉल के अंदर रितु अपने बच्चे को एक टॉय दिलाती है। तभी वहाँ पर अचानक से लाइट चली जाती है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर जब लाइट आती है तो रितु देखती है कि उसका बच्चा वहाँ से गायब है, किसी ने उसके बच्चे को किडनैप कर लिया है। तो यहाँ पर वो पुलिस को बुलाती है, तो पुलिस वहाँ पर सीसीटीवी इमेज को देखती है। तो यहाँ पर पुलिस को तीन लोगों पर शक होता है जो कि लाइट जाने से पहले वहीं पर ही थे, लेकिन लाइट आने के बाद वहाँ से गायब थे। क्या दोस्तों यहाँ पर आप इन तीनों को देखकर बता सकते हैं कि रितु के बच्चे को किसने चुराया है? अपना जवाब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्या दोस्तों यहाँ पर आपको पता चला कि यहाँ पर रितु के बच्चे को किसने चुराया है? तो दोस्तों यहाँ पर जो ए नंबर वाला व्यक्ति है उसने बहुत सारा सामान कैरी कर रखा है। इसका मतलब कि बहुत ही कम चांस है कि ये बच्चे को चुरा सकता है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी ही बहुत सारा सामान है। और यहाँ पर दूसरी वाली लेडी के हाथ में आइसक्रीम है जो कि इसने आधी खा रखी है, यानी इसने अपने लिए आइसक्रीम खरीदी है।
बहुत ही कम चांस है कि यहाँ पर ये बच्चे को चुराए। लेकिन यहाँ पर तीसरी वाली लेडी ने अपने हाथ में एक लॉलीपॉप ले रखा है। हो सकता है कि रितु के बच्चे को लालच देने के लिए लॉलीपॉप लिया हो, क्योंकि कोई भी बड़ा व्यक्ति लॉलीपॉप नहीं खाता है और इसके पास पहले से कोई भी बच्चा नहीं है। इसका मतलब कि हो सकता है कि इसी लेडी ने ही रितु के बच्चे को चुराया हो। अब दोस्तों नेक्स्ट पहेली, दोस्तों इस इमेज को यहाँ पर ध्यान से देखिए और हमें बताइए कि यहाँ पर इस लड़की का नाम क्या है। अपना जवाब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्या दोस्तों यहाँ पर आपको पता चला कि यहाँ पर इस लड़की का नाम क्या है? तो दोस्तों इस पहेली का सही जवाब आप ही को ही देना होगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कि कौन कौन इसका सही जवाब देता है, और जो भी पहले 5 लाख की विनर इस पहेली का सही जवाब देंगे उनका नाम अगले वीडियो में आ सकता है, तो जल्दी से कमेंट करिए। अब दोस्तों नेक्स्ट पहेली, दोस्तों इस इमेज को यहाँ पर ध्यान से देखिए और हमें बताइए कि यहाँ पर इनमें से कौन भूत है। अपना जवाब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्या दोस्तों यहाँ पर आपको पता चला कि यहाँ पर इनमें से कौन भूत है? तो दोस्तों यहाँ पर बी वाला स्क्रू ड्राइवर भूत है, क्योंकि यहाँ पर गौर से देखने पर यहाँ पर इसके ऑक्सीजन टैंक के बुलबुले नहीं निकल रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन टैंक खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर आसानी से तैर रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर ये वाला पर्सन भूत है। क्या दोस्तों यहाँ पर आपका जवाब भी यही था? तो इस वीडियो को लाइक करके हमें बता दीजिए। अब दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको ऐसी ही मज़ेदार पहेलियाँ और देखनी है तो हमारे रिडल दोस्त यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले और कमाल के वीडियो में।